जरूरी है कि क्लास 3 में राइटिंग के बहुत सारे लेवल्स, उनके लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे क्लास 2 में हम सिर्फ वर्ड्स को पहचानना, उनको लेटर्स को लिखने पे फोकस कर रहे थे, और बच्चे कॉपी करने के माध्यम से लेटर्स भी लिखना सीख रहे थे और वर्ड्स भी लिखना सीख रहे थे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि बच्चे खुद से कुछ लिखने की कोशिश करें, जो वर्ड्स ऑलरेडी वो क्लास 2 में लिखना सीखे हैं, और क्लास 3 में आके भी वो उसी प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। अभी जरूरी है कि बच्चे खुद से कुछ लिखे। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ एक्टिविटी करेंगे जो बच्चों के नॉलेज में हो, जो बच्चों के एक्सपीरियंस में हो। मैंने एक वर्ड लिया है, देखिए, गार्डन। तो गार्डन जो वर्ड है, ये गार्डन सुन के बच्चों के मन में एक पिक्चर क्रिएट होगा। उनको पता है कि गार्डन कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो ये एक वर्ड हम बोर्ड में लिख सकते हैं, एंड लिख के टीचर्स बच्चों को बताएंगे कि गार्डन वर्ड देख के आपके मन में क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, गार्डन में क्या क्या दिखता है, आपने क्या क्या देखा है, वो सारे वर्ड्स आप बताइए, और अपने कॉपी पर भी इसी तरीके से लिखिए। तो विदिशा, आप भी मदद कर सकते हैं, हमारे टीचर्स भी मदद करिए कि ये गार्डन वर्ड देख के आपके मन में क्या क्या आ रहे हैं। तो बच्चे क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो जाएंगे, और बच्चे उसको लिखने की कोशिश भी करेंगे। जी विदिशा, तो ये मुझे तो जैसे ट्री दिखता है, बी दिखता है गार्डन में, बहुत सारे फूल होते हैं तो वहाँ पे बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, इस तरह की चीजें मुझे एक गार्डन में दिखता है, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, है ना। तो दो भी यहाँ मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई स्टूडेंट्स है जो जिनको इंग्लिश में वर्ड पता नहीं है, जैसे बटरफ्लाई उन्हें नहीं पता या झूला पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो वर्ड्स बताते हैं लेकिन हिंदी में बताते हैं, तो हम एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसे हमारे शिक्षक साथी की सवाल भी यहाँ पे देख रही थी, देव कुमार मीना जी ने एक मतलब कंफ्यूजन भी नहीं, बट उन्होंने एक मतलब अपने थॉट शेयर किया है कि पैराग्राफ भी तो होता है क्लास 3 में। तो पैराग्राफ राइटिंग में हम क्या कर रहे हैं, तो देव कुमार मीना जी को हम बताना चाहेंगे कि हम उसी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो एक्टिविटी अभी हम शेयर कर रहे हैं, ये एकदम इनिशियल लेवल की एक्टिविटी है, जहाँ से हम बच्चों को धीरे धीरे पैराग्राफ की तरफ लेके जा सकते हैं। पैराग्राफ हम जब लिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, तो वो जरूरी है कि बच्चों को उसके कॉन्टेक्स्ट पता हो, बच्चों के कुछ नॉलेज में जो चीजें हैं उन्हीं के रिलेटेड हम बच्चों को पैराग्राफ दे, जो बच्चे खुद से कुछ लिखने की कोशिश करें। तो ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे बच्चों को हम एक थीम दे रहे हैं, जैसे गार्डन एक थीम हो गया, एंड उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बच्चे बता रहे हैं और उनको लिख रहे हैं। जब बच्चे ये सारे वर्ड्स लिख रहे हैं, इसके आगे हम देखेंगे कि बच्चों को कैसे हम सेंटेंस लिखने की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विदिशा, कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने दिया है कि इन द गार्डन आई सॉ अ डैश। तो यहाँ पे बच्चे इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं कि उनके स्टॉक में जो वर्ड्स अभी अभी आए हैं, बर्ड, ट्री, बटरफ्लाई, बी, ये सारे वर्ड्स हैं, उनको यूज करते हुए बच्चे ये सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो ये क्लासरूम में भी एक गतिविधि हो सकती है कि हर बच्चे एक-एक सेंटेंस बोले और उनको लिखने की भी कोशिश करें कि इन द गार्डन आई सॉ अ फ्लावर, इन द गार्डन आई सॉ अ बी, इन द गार्डन आई सॉ अ ट्री। तो ऐसे बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल रहा है कि एक सेंटेंस कैसे बनते हैं, और उन्होंने जो वर्ड्स अभी अभी बताए हैं, उन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, वो भी बच्चों को पता चल रहा है। विदिशा, हाँ, तो ये भी जैसे हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने एक शेयर किया है, ऐसे अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रह रहा है, वर्ड्स भी बच्चों को हमने वर्ड वेब में शेयर किया है बच्चों ने, तो बच्चों को बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो एक सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को सेंटेंस लिखने में, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ही लिखे हैं, पूरा पूरा सेंटेंस शायद उन्होंने लिखा नहीं है, पढ़ा है, अब क्लास 3 में वो पढ़ने लिखने लगे हैं, तो ये एक गाइडेड उनको सेंटेंस राइटिंग करवाने का
अच्छा प्रयास है जिसमें बच्चे एंगेज भी होंगे और वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, तो उनमें एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। तो क्या दोए भी हम इसको अलग-अलग थीम्स में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कि क्लासरूम में अलग अलग थीम पे ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं और हमारे टीचर्स भी शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि और क्या क्या थीम हो सकते हैं। जैसे मैंने गार्डन एक थीम दिया था जो बच्चों के नॉलेज में है, ऐसे ही स्कूल हो गया, स्कूल के बारे में भी बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स बच्चे बता पाएंगे, होम हो गया, फेयर, प्लेग्राउंड, ऐसे बहुत सारे थीम हम ले सकते हैं। एंड ये भी कर सकते हैं क्लासरूम में कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दे और बच्चों को ऐसे एक एक थीम दे दे और वो वही थीम को ध्यान में रखते हुए बच्चे सेम एक्टिविटी अपने ग्रुप में करे और सेट ऑफ सेंटेंसेस बच्चों के पास हो। तो ये इसी तरीके से बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता चल रहा है और वर्ड्स कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, ये भी बच्चों को प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो दिनिशा भी इज देयर अ रीजन कि आपने इसी तरह के थीम्स चूज किए हैं, जैसे स्कूल है, होम है, फेयर है, प्लेग्राउंड है या गार्डन है? इस तरह का थीम चूज करने का क्या रीजन है या जी इससे क्या होगा? जी तो मेनली ये सारे जो थीम हैं, तो बच्चे स्कूल आते हैं, बच्चे रोजाना स्कूल आते हैं, स्कूल के आसपास के माहौल के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं बच्चों को पता होते हैं। एंड उसमें अगर बच्चों को एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाए, बच्चों को ये भी पता है कि स्कूल में बेल किस लिए यूज होता है या उन्होंने स्कूल में आके क्या क्या देखा, उनके स्कूल में क्या क्या है, ये सारे चीजों के नॉलेज उनके पास होते हैं। होम में भी सेम है कि बच्चे होम में कौन कौन है, क्या क्या होता है, वो क्या करते हैं होम में, ये सारी चीजें हैं। बच्चे फेयर में भी जा चुके हैं, घूम चुके हैं या प्लेग्राउंड में भी वो जाते हैं। एक हमारे शिक्षक साथी ने भी शेयर किया जू हो सकता है, बहुत सारे बच्चे जू में भी घूमते हैं, तो टेम्पल हो सकता है, चेतना पावर जी ने शेयर किया टेम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे जो थीम्स हैं वो बच्चों के नॉलेज में होते हैं, बच्चों को पता होता है कि वहाँ क्या होते हैं, क्या क्या चीजें मिलते हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी से वर्ड्स बता पाएंगे और उनकी यूज भी कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि जैसे मैं दिखा रही हूँ कि ग्रुप एक्टिविटी की जो मैं बात कर रही थी कि बच्चे अलग अलग थीम पे ग्रुप में काम करें और उनमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं उनके लिस्ट बनाए, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स के लिस्ट हमारे पास होंगे जो शिक्षक क्लासरूम में डिस्प्ले कर सकते हैं और उनको बार बार वो सारे वर्ड्स रिविजिट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ हर थीम पर ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर टीचर दे सकते हैं जो गाइडेड मोड पे होगा कि बच्चों को सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाने के लिए, जैसे इन माय स्कूल देयर इज डैश, ऐसे ही हमारे टीचर्स भी कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपके मन में भी हो रहे हैं जो बच्चों को दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे विदिशा, इन माय होम आई हैव अ, तो होम में उनके पास क्या क्या है वो यहाँ पे बच्चे बता सकते हैं। तो विदिशा भी यहाँ मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि जी ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे, मतलब जो स्कूल के वर्ड्स है वो केवल स्कूल के थीम में ही आएंगे। जी वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, तो वो आपस में एक्सचेंज भी हो जाएंगे। स्कूल में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो होम में भी बच्चे लिखेंगे, तो एक रिपोजिटरी है बच्चों के पास वोकैबुलरी की, जिसको बच्चे अलग अलग इधर उधर यूज कर सकते हैं। जैसे इन माई स्कूल देर इज अ गार्डन, इन माई होम देर इज अ गार्डन, या इन माई स्कूल देर बिल्कुल इज अ प्ले ग्राउंड। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चे बच्चों को पता होगा, तो वो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसको यूज कर सकते हैं। इवन दो हमने वर्ड वेब में भी हमने होम के साथ गार्डन डिस्कस नहीं किया है, लेकिन क्योंकि बच्चों को पता है कि मेरे घर में एक गार्डन है और गार्डन की स्पेलिंग भी मुझे आती है, तो मैं इन माय होम आई हैव अ गार्डन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे वर्ड्स को कहाँ पे अप्रोप्रिएटली यूज हो सकता है वो बच्चों को समझ आ रहे हैं। और हमारे टीचर्स ने भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग थीम्स शेयर किए हैं। सरिता गुप्ता जी ने मार्केट शेयर किया, मार्केट थीम पे भी बच्चे बहुत आसानी से ये गतिविधि कर सकते हैं। और उन्होंने एक और शेयर किया बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे पार्टी भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जैसे भी उनके कम्युनिटी में सेलिब्रेट होते हैं वो उसमें जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में भी
देख सकते हैं, बस स्टैंड हो गया, जू हो गया, तो दिवाली हो गया, तो ऐसे बहुत सारे आंगनवाड़ी, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थीम आ रहे हैं। तो हमारे शिक्षक साथी उसे बहुत आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के साथ ये कर सकते हैं। तो विदिशा, यहाँ तक तो हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चे खुद से अभी वर्ड्स लिख पा रहे हैं, एक थीम के बेसिस पे क्या क्या वर्ड्स है बच्चे खुद से लिख पा रहे हैं, और सेंटेंस भी एक स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर में सेंटेंस लिख रहे हैं, और धीरे धीरे आप जैसे बता रहे थे कि इन माय स्कूल देयर इज अ गार्डन, तो बच्चे खुद से भी कुछ सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। अब भी जरूरी है कि क्लास थ्री के अंत तक बच्चे राइटिंग के एक लेवल और आगे बढ़ जाए, और जहाँ पे बच्चों को छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस के सवाल लिखना पड़ेगा, तो इस तरीके के राइटिंग के लिए हम क्या गतिविधि कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बताएं। तो जो हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसमें बच्चे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नए सेंटेंसेस बना रहे हैं इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगर थीम फेस्टिवल का लेते हैं, और हर ग्रुप, ये हम होल क्लास में करा सकते हैं, ये हम ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं अपने क्लास की फीजिबिलिटी देख करके। अगर ये हमने ग्रुप एक्टिविटी कराई तो हर ग्रुप अपने पसंद का एक फेस्टिवल चूज कर सकता है, उस फेस्टिवल से एसोसिएटेड जो भी वर्ड्स हैं, जैसे रंगोली है, क्रैकर्स हैं, कैंडल है, स्वीट्स है, फैमिली के साथ मनाते हैं, लाइट लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स एक लिस्ट में शेयर कर लेंगे या पहले लिख लेंगे अपने ग्रुप में या पूरे क्लास में। और फिर हम इसको, अभी तक तो हम सेंटेंसेस लिख रहे थे, लेकिन अब हम पैराग्राफ लिखेंगे, क्योंकि लाइक टीचर्स ने भी पॉइंट आउट किया है कि पैराग्राफ राइटिंग भी हमारा एक आउटकम है, तो अब हम उनको पैराग्राफ तक लेकर जाएंगे। लेकिन कोई भी पैराग्राफ हम ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते कि हम बच्चों को बोले कि अच्छा अब आपको वर्ड्स आती है तो आप पैराग्राफ लिख लीजिए, इस तरह से नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा गाइडेड, थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा कि हम उनको एक फॉर्मेट दे दें, जैसे क्लोज वर्कशीट्स होती हैं जिसमें हम उनको कुछ वर्ड्स मिसिंग करते हैं ताकि बच्चे उन वर्ड्स को फिल करते हुए एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख ले, और उसके बाद पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट करके वो चाहें तो इसी पैराग्राफ को अपने टीचर्स और क्लासमेट्स की मदद से इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, या इसको किसी दूसरी फेस्टिवल के लिए लिख सकते हैं। और ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, कुछ नाउन्स है, कुछ फंक्शनल वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे रिमूव करा है। लिव बच्चों को आता है लिखना, क्योंकि उन्होंने स्टोरीज में बहुत बार लिव वर्ड पढ़ा है, फैमिली वर्ड इस वर्ड वेब में आ रहा है जिसको वो इसमें लिखेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सपोर्ट में ये पैराग्राफ राइटिंग वो कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर हम उनको ग्रेजुअली सेमी गाइडेड और इंडिपेंडेंटली पैराग्राफ्स लिखवाने की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और विदिशा, यहाँ पे जैसे हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी है, जैसे रंगोली हो गया या दिया आप बता रहे थे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बच्चे देंगे जो शायद उनके हिंदी में हो या उनके लोकल भाषा में हो, तो टीचर्स उन सब वर्ड्स को भी ले रहे हैं और उनको लिख रहे हैं, और पॉसिबल हो तो उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, नहीं तो जैसे रंगोली आपने लिखा है तो इसी तरीके के वर्ड्स बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये गतिविधि में, इसमें मुझे दिख रहा है कि जैसे बच्चों को एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर में भी फिर हम एक लेवल और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं कि माय नेम इज डैश, तो बच्चे अपने नाम लिख रहे हैं, देन आई लिव इन जयपुर, तो यहाँ पे टीचर्स बच्चों के लेवल के हिसाब से अपने क्लोज टेस्ट को डिजाइन भी कर सकते हैं, जैसे आई लिव डैश जयपुर, तो बच्चे इन वर्ड उनको लिखना होगा, तो ऐसे बच्चों के लेवल के हिसाब से अपने क्लोज टेस्ट को टीचर्स डिजाइन कर सकते हैं, कहीं पे इन जो भी प्रीपोजिशंस है उनको टीचर्स गायब कर सकते हैं, उनको बच्चे फिलअप कर सकते हैं, तो कभी वर्ड पे फोकस कर सकते हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग क्लोज टेस्ट के डिजाइन भी हमारे पास होंगे। बिल्कुल दर्जी, तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि हम क्लास थर्ड के एंड तक हम ये पैराग्राफ राइटिंग तक आ गए हैं कि बच्चे पैराग्राफ राइटिंग भी कर रहे हैं।